कुछ आसन्स जो आपको सर्वाइकल के दर्द से, उसकी तकलीफ से निजात दिला सकते हैं। तो पहले हम अपनी मैट पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर में 2 से 3 इंच का फासला। एक बार फिर ताड़ासन, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे बांध लेंगे। धीरे से सांस भर के दोनों हाथ आसमान की तरफ खींचे। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींचते जाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर धीरे धीरे सांस भर के आसमान की तरफ, धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस, धीरे से दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने पूरे शरीर को लेते जाएं। धीरे से वापस, एक बार फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं। धीरे से वापस, यही प्रक्रिया बाई तरफ से। धीरे से वापस, अब अपनी मैट पे बैठ जाएं। दोनों पैर सामने, अब अपनी मैट पे दोनों पैरों को सामने करके कमर सीधी करके बैठ जाएं। धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ के अपने बाएं नितंब के पास लगाएं और वहीं अपने बाएं पैर को मोड़ के अपने दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक आराम से रखें। अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप रख सकते हैं उतना रखें। धीरे से जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से आप अपने पीछे शोल्डर प्लेट पे, और दूसरा हाथ अपने बैक से लेकर धीरे से दोनों हाथों को आपस में बांधने का प्रयास करें। और अपनी गर्दन सीधी, कमर सीधी, ये गौमुख आसन है। आप इसको अपने रोज़मर्रा में इस यूज़ करके अपने सर्वाइकल से आराम पा सकते हैं। धीरे से यही प्रक्रिया दूसरी साइड से करेंगे। धीरे से अपने पैरों को खोल लीजिए वापस। एक बार अपने बाएं पैर को अपने दाएं नितंब के साथ लगाएं, अपने दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के ऊपर रखें। धीरे से जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आसमान की तरफ सीधा ले जाएं, और धीरे से सिर के पास से मोड़ते हुए पीछे शोल्डर प्लेट पे, और लेफ्ट हैंड अपने कमर से लेकर जाएं और दोनों हाथों को आपस में बांधने का प्रयास करें। और गर्दन सीधी, धीरे से छोड़ दें। इसका प्रयास 2 से 3 बार कर सकते हैं। दोनों पैरों को वापस खोलें। अब सुखासन में बैठ के अपने दोनों हाथों को एक पीछे कमर पे आपस में बांध लें। दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके दोनों हाथों को कमर पे बांधें। धीरे से सांस लें। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ जितना आराम से खींच सकते हैं खींचते जाएं। और सामने की तरफ देखना है, गर्दन को झुकाना नहीं है। धीरे धीरे सांस भर के ऊपर, एक सामान्य सांस। एक बार फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकें। धीरे
धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचे, सामने देखना है, अपनी गर्दन को सामने रखें, धीरे से वापस एक। अब दोनों हाथों को सामने सीधा करें, दोनों हाथ दोनों कंधों पे लेकर जाएं, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस सीधा। ये सूक्ष्म क्रियाएं आप अगर रोज अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप सर्वाइकल्स को ठीक कर सकते हैं। यही साइड में टू आसमान की तरफ, धीरे से दोनों हाथ दोनों कंधों पे रखें, दोनों एल्बोस को आपस में मिलाएं, धीरे से सर्कल, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव राउंड क्लॉक, फाइव एंटी क्लॉक, वन टू थ्री फोर फाइव। धीरे से रिलैक्स। अब अपनी गर्दन को आसमान की तरफ खींचें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामान्य। ये ध्यान रहे कि आपको अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, नॉर्मल रखना है। एक बार फिर सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। इसको 3 से 5 बार प्रयास करना है। अब धीरे धीरे दाईं तरफ, धीरे से बाईं तरफ, एक बार फिर धीरे से दाईं तरफ, धीरे से बाईं तरफ, सामने लाए गर्दन को धीरे से। अब अपने कंधे से अपने दाएं कान को छूने का प्रयास करें। ये ध्यान रहे कि जब आप अपने कंधे के पास अपने कान को ले जाएं, आपका कंधा ना उठे, कंधे को नहीं उठाना है, बल्कि हमें अपने कान को कंधे तक लेकर आना है। धीरे से अपनी गर्दन को अपने कंधे के पास ले जाएं, जितना आराम से जाता है। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ, बाएं कंधे को बाएं कान से छूने का प्रयास करें, दाएं कंधे को दाएं कान से। एक बार फिर बाईं तरफ, धीरे से सामान्य। अब अपनी गर्दन को हाफ सर्कल रोटेट करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। बाईं तरफ अपनी गर्दन को झुकाएं, धीरे से पीछे से अपनी गर्दन को घुमाते हुए बाएं कंधे पर लाएं, बाएं कंधे से धीरे धीरे घुमाते हुए दाएं कंधे पे। एक बार फिर दाईं तरफ से बाईं तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ, धीरे से सामान्य स्थिति में। जिनको भी सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन को पूरा क्लॉक एंटी क्लॉक रोटेशन ना दें, सिर्फ हाफ सर्कल। एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, धीरे से नॉर्मल। अब दोनों कंधों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचे, धीरे धीरे नीचे, एक बार फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स।
धीरे से अपनी आंखें बंद करके प्राणायाम का प्रयास करें, अनुलोम विलोम। ये ध्यान रखें कि जिस नासिका से आपका सांस बहुत सरलता से ले पा रहे हैं, वहाँ से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करना है। धीरे से रिलैक्स, धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक गहरा लंबा सांस लें, एक गहरा लंबा सांस छोड़ दें। एक बार फिर एक गहरा लंबा सांस लें। धीरे से अपने पेट की सभी मांसपेशियों को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचते हुए सांस को फोर्सफुली बाहर निकालना है। धीरे से गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा सांस छोड़ दें। ये ध्यान रहे कि जब आप कपालभाति करें तो अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से सांस को बाहर छोड़ते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में तकलीफ दे सकता है। तो जब भी शुरू करें बहुत आराम से करें, जब आपको इसका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तब आप उसको रैपिड फायर की तरह कर सकते हैं, स्पीडली कर सकते हैं, लाइक दिस। धीरे से रिलैक्स और आंखें बंद करके 5 बार ओम का उच्चारण करें। अपने शरीर को, अपनी सांसों को सामान्य करें। धीरे से शांत और अपनी आंखों को खोल लें। धन्यवाद।